आवेदक की डिटेल आ रहे हैं, उसकी सारी डिटेल आपने एक जगह पे आ गई। उसके बाद उसके फादर का क्या नाम है, मोबाइल संख्या, स्वयं की ईमेल आईडी, पिता माता किसी अन्य नातेदार की ईमेल आईडी, ये सारी चीजें, माता किसी अन्य नातेदार की ईमेल आईडी आ गई। इसके बाद ये चार तरह चार कॉलम बने हैं, निवास खास स्थानांतरण, अगर उसने अपना रेजिडेंस, ठीक है जी। उसके बाद है नंबर दो, उस प्रविष्टि में, प्रविष्टि मीन्स एंट्री, उसमें अगर उसने कोई सुधार करना है या करेक्शन करनी है उसको कॉलम नंबर टू जो है इसको टिक करेंगे। अगर ऐसी स्टेज आए कि करेक्शन एट ए टाइम किसी एक का जो भी होगा एप्लीकेबल उसमें ये करेंगे, बिना सुधार के ईपीआईसी है वो गुम हो गया है, आपने सिर्फ उसको कार्ड चाहिए तब भर सकता, या दिव्यांगजन व्यक्तियों के रूप में चिन्हित करने के लिए अनुरोध, अगर वो डिसेबल्ड है उसको वोटर लिस्ट में जो है आप